नमस्कार सभी को। आज हम देखेंगे लॉगरिथम टेबल और एंटी लॉगरिथम टेबल किस तरह से देखी जाती है। देखिए, लॉगरिथम टेबल में अपर रो रहेगी जिसमें 0 से 9 तक अलग अलग कॉलम दिए हुए हैं। इसके अलावा जो मीन डिफरेंस वाले कॉलम कहलाते हैं, ये 1, 2, 3 एक ही कॉलम में है, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और जो फर्स्ट कॉलम है इसमें 10 से स्टार्ट होकर जो नंबर्स हैं वो 99 तक हैं, 99 तक। तो ऐसी सिचुएशन में किस तरह से इसको रीड करना है, लॉगरिथम किस तरह से निकालते हैं और एंटी लॉगरिथम किस तरह निकालते हैं, ये हम देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए लॉगरिथम निकालना है 5 का 50 का 500 का। लॉगरिथम के लिए सबसे पहले हमें करना क्या है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स निकालते हैं। लॉगरिथम का कैरेक्टरिस्टिक्स यानी पूर्णांश। इसमें डेसिमल में आप देखेंगे लॉगरिथम टेबल में सारी जो फिगर्स दी हुई हैं इनर कॉलम में, जो अपर रो और फर्स्ट कॉलम के अलावा जो अंदर जितनी भी फिगर्स दी हुई है, मेन जो रो है मेन डिफरेंस वाले कॉलम्स को छोड़कर, उनमें सब में डेसिमल में दिया हुआ है, डेसिमल यानी दशमलव। तो जब दशमलव में दिया हुआ है तो ये सारी फिगर्स हमारे जो लॉगरिथम निकालेंगे उसका डेसिमल पार्ट तैयार होता है इससे। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स यानी जो पूर्णांश होगा, जो डेसिमल से पहले वाला जो पोर्शन आएगा उसको हम निकालते हैं पहले, लॉगरिथम टेबल रीड उसके बाद की जाती है। तो इसमें क्या होता है कि जब एक से बड़ी संख्या का यदि आपको लॉगरिथम निकालना है, जैसे मैंने ये उदाहरण लिए हैं 5 का 50 का और 500 का, इनके हमें लॉगरिथम निकालने हैं। तो यहां फॉर्मूला अप्लाई होता है n-1। n का मतलब होगा नंबर ऑफ डिजिट्स। जितनी नंबर ऑफ डिजिट्स आपको एक से बड़ी संख्या जो दी गई है उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स डेसिमल से पहले वाली संख्या, यदि डेसिमल वाली कोई फिगर है तो उसमें डेसिमल से पहले जो फिगर है एक से बड़ी वाली संख्या उसमें कुल मिलाकर डिजिट्स कितनी है। जैसे 5 में 1 डिजिट है, 50 में 2 डिजिट है, 500 में 3 डिजिट है। तो ये n का मतलब होगा नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स। तो ये नंबर ऑफ डिजिट्स जो है उनमें माइनस वन करके जो फिगर जो वैल्यू आएगी उसको कैरेक्टरिस्टिक के रूप में रखेंगे। जैसे 5 जो है यहां पर, इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी इस संख्या में, केवल 1 डिजिट है। 1 डिजिट होने के कारण 1-1=0, ये कैरेक्टरिस्टिक्स यानी पूर्णांश रहेगा। 50 में 2 फिगर्स 2 डिजिट्स हैं, तो 2 डिजिट्स में से 1 माइनस करेंगे तो यहां पर 1 इसका कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा। 500 में 3 डिजिट है, 1 माइनस करेंगे तो 2 यहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा। अब मेंटिसा वाला पोर्शन हमें निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो फिगर्स दी हुई है हमें, यदि वो 3 डिजिट से छोटी हैं या 4 डिजिट से बड़ी हैं तो उनको राउंड ऑफ कर लिया जाता है। जो 3 डिजिट से छोटी है उनको 3 डिजिट तक राउंड ऑफ कर देते हैं यानी बढ़ा देते हैं। जैसे 500 है, इसको मेंटिसा निकालने के लिए एज्यूम किया जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल चुके हैं, इसको एज्यूम करेंगे 500। इसी तरह से 50 2 डिजिट है, या तो 3 डिजिट तक इसको बढ़ाया जाए, और 4 डिजिट से कोई बड़ी संख्या है तो उसको 4 डिजिट तक राउंड ऑफ कर दिया जाता है। तो यहाँ 500 माना जाएगा, इसको एज्यूम किया जाएगा 500 में ऑलरेडी 3 डिजिट है, तो तीनों में ही जब मेंटिसा निकालेंगे तो 500 मानते हुए इसमें मेंटिसा निकालेंगे। तो इसमें जब लॉगरिथम टेबल को रीड करके मेंटिसा कैलकुलेट करेंगे, मेंटिसा कैलकुलेट नहीं करना एक्चुअली, वहां से हमें लेना है, तो शुरू की 2 डिजिट तो इसमें रहेगी जिनको हमें रीड करना है फर्स्ट कॉलम से, और बाद की 3री डिजिट जो है वो जो 0 से 9 तक जो कॉलम्स दिए हुए हैं फर्स्ट रो में, जो 0 से 9 दिया हुआ उससे रिलेटेड जो कॉलम्स है उसमें से रीड करेंगे 3rd डिजिट, और 4th डिजिट जो मेन डिफरेंस वाला कॉलम कहलाते हैं ये इनमें से रीड करके जोड़ा जाएगा, और तब मेंटिसा निकालेंगे यदि 4 डिजिट होती है। तो 4 डिजिट वाला भी हम अभी करके देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि ये किस तरह से निकलेगा, क्योंकि तीनों में हमें एक ही आइटम रीड करना है 50 के आगे 0, तो 50 हम रहेंगे कॉलम में। आप देखें यहां कॉलम कहां तक आया, 49 तक, सेकंड पेज पे गए हैं, यहां पर 50 यहां पर आया है, तो
तो 50, और जो ऊपर की जो रो है उसमें जीरो जहां दिया हुआ है, 50 और जीरो जहां इंटरसेक्ट करेंगी, जो 50 यहां से 50 जो रो है ये यहां पर है, और जीरो जो ऊपर का दिया हुआ है फर्स्ट रो उससे रिलेटेड जो कॉलम है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस जगह। जैसे कि आप देखें क्या फिगर दी हुई है, 6990। तो इसका मतलब ये तीनों ही जो फिगर्स है 550 और 500, तीनों का मेंटिसा सेम रहेगा, 6990। ठीक है, मैं फिलहाल आपको अभी लॉगरिथम टेबल रीड करना बता रहा हूं, इससे एंटी लॉगरिथम टेबल रीड करके कैसे वापस ओरिजिनल फिगर अपन कैलकुलेट फिगर ला सकते हैं वो हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक ऐसी फिगर जो बड़ी हो, 4 डिजिट से बड़ी हो, ऐसी ले लेता हूं मैं, 53,894 ये ले लेते हैं। इसका मानिए लॉगरिथम हमें निकालना है, तो लॉगरिथम निकालने के लिए चूंकि एक से बड़ी संख्या है तो इसकी एन माइनस वन कुल इस फिगर में डिजिट्स कितनी है, डिजिट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट्स हैं, तो 5 माइनस 1 इक्वल टू 4 इसका कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा। मेंटिसा के लिए इसमें एज्यूम करना पड़ेगा मैं 4, क्योंकि 5 डिजिट्स हैं यहां पर, तो 4 डिजिट्स तक इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। 53894 है तो 9 के बाद क्या है 4, तो राउंड ऑफ में चूंकि 4 5 से बड़ी संख्या होती है तो इसको 1 से बढ़ा देते हैं, ये 5 से कम है इसलिए इसको छोड़ देंगे, और यहां पर 5389 ही रीड किया जाएगा। यदि यहां 5 होता है तो 5390 रीड करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही लॉगरिथम टेबल निकालते हैं। अब 5389 जो है इसमें शुरू के 2 डिजिट्स को फर्स्ट कॉलम से रीड करेंगे, 3rd डिजिट को जो फर्स्ट रो में 1, 0 to 9 जो फिगर थी उसमें से रीड करेंगे, और जो 4th डिजिट है वो रीड करेंगे मीन डिफरेंस वाले कॉलम्स में से। तो 5353 आप देखेंगे 53 यहां पर दिया हुआ है, 53 के आगे 8, 53 ऊपर रो जो है इसमें 8 ये इंटरसेक्ट कर रहा है 53 और ये 77, एक मिनट मैं देख लेता हूं, पास से 7308 है, तो यहां हम देखें एक तो 0.7308 है, 0.7308 53 के आगे हमने 8 को रीड किया, लेकिन फिगर चूंकि 4 डिजिट की है जिसमें चौथी डिजिट 9 है, तो चौथी डिजिट इस मीन डिफरेंस वाले कॉलम में जो 9 है उसके नीचे और 53 के सामने जो डिजिट है उसको इसमें 8 किया जाएगा। मेंटिसा में 7 है तो 7 8 करेंगे तो ये हो जाएगा 7315, तो ये हमारा मेंटिसा आएगा 7315। इसको दशमलव के बाद है, डेसिमल जो होता है जिसे हिंदी में दशमलव बोलते हैं, उसके बाद की जो फिगर है वो दशमलवांश कहलाएगी हिंदी में, इंग्लिश में इसको मेंटिसा कहा जाता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स 4.7315, 53894 जो है उसका ये जो लॉगरिथम है वो ये रहेगा। वैसे दिखाया तो ये 53894 जो है 53890 से लेकर 894 तक का सेम लॉगरिथम रहेगा, क्योंकि 4 डिजिट तक यहां पर आपको लिमिट करना होता है, डिजिट्स को एज्यूम करना होता है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको टेबल रीड करके कैलकुलेशन करना होता है। अब मैं आपको बताता हूं एंटी लॉगरिथम टेबल, क्योंकि मैं एक से बड़ी संख्या वाला बता रहा हूं पर एक से छोटी संख्या वाला कैसे रीड होगा उसका, उसमें भी रीड सेम तरीका रहता है रीड करने का, केवल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें तरीका बदलता है, वो भी मैं अभी करके बताऊंगा आपको। लेकिन उससे पहले एंटी लॉगरिथम टेबल, एंटी लॉगरिथम टेबल में क्या होता है, जैसे लॉगरिथम टेबल में पहले कैरेक्टरिस्टिक्स निकालते हैं फिर उसके बाद मेंटिसा लॉगरिथम टेबल की हेल्प से निकाला जाता है, यहां उल्टा होगा, पहले कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान नहीं देंगे हम, मेंटिसा जो डेसिमल के बाद का जो पोर्शन है उसको रीड करते हुए यहां पर फिगर निकाली जाती है। तो जैसे देखें आप तीनों जो हमने 5, 50 और 500 का लॉगरिथम निकाला था तो लॉगरिथम में मेंटिसा सबके सेम थे 6990, तो 0.69 और 90 यहां पे भी 4 डिजिट ही मैक्सिमम हो सकती है, वैसे भी लॉगरिथम में 4 डिजिट के ही दे रखे हैं सारी फिगर्स, तो 4 डिजिट का रहेगा। अब इसमें क्या करेंगे, क्योंकि 4th डिजिट 0 है तो इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, इसको भी 2 पोर्शन में बांटेंगे, वैसे 3 पोर्शन में बांट सकते हैं मीन डिफरेंस वाले कॉलम के लिए भी,
लेकिन जीरो है तो जीरो की कोई भी मेन डिफरेंस में कुछ नहीं दे रखा है तो उसको कंसिडर नहीं करेंगे। 0.69 और 9। तो यहां आप देखें एंटी लॉगरिथम टेबल में जो फर्स्ट कॉलम दे रखा है 0.00 से स्टार्ट है, 0.00 से लेकर 0.99 तक। तो फर्स्ट कॉलम जो हमें 0.69 है, 0.69 हम देखेंगे, 0.69 ये दिया हुआ है यहां तक, 0.69 ठीक है, सॉरी 0.69 ये यहां पर है, 0.69 ये है, इसमें 9 जो फर्स्ट रो है मीन डिफरेंस वाले कॉलम्स रो को छोड़ देंगे, मीन डिफरेंस से पहले जो है 0 to 9 के नीचे और 69 के सामने, ये यहां जो फिगर आ रही है 5000 आ रही है। तो यहां तीनों जो मेंटिसा को रीड किया है उसके बेस पर एंटी लॉगरिथम टेबल से हमने फिगर निकाल ली है 5000। अब इसके बाद हम कैलकुलेशन, पहले तो एंटी लॉगरिथम टेबल से फिगर सॉर्ट आउट कर लेंगे, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक को रीड करके हमें यहां डिसाइड करना है। जब हमने इसको एन माइनस वन फॉर्मूला अप्लाई करके डिजिट्स कैलकुलेट की थी, यहां उल्टा होगा। यदि ये फिगर्स जो है पॉजिटिव हैं, 0, 1, 2, 3 नेगेटिव में नहीं, नेगेटिव कैसे होती है वो मैं भी बताऊंगा। तो जीरो जब दिया हुआ है तो 0 + 1 करेंगे, यहां पर जो आपको कैरेक्टरिस्टिक दिया है उसमें प्लस वन वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, प्लस वन यानी लेफ्ट हैंड साइड से एक डिजिट बाद आपको डेसिमल लगाना है, और यहां पर वन में प्लस करेंगे वन तो टू, तो दो डिजिट यानी 5 और 0 के बाद डेसिमल लगाना है, और यहां 2 जो है इसमें प्लस वन करेंगे 3 तो 500 यानी 3 डिजिट के बाद 500 के बाद डेसिमल लगाना है। तो फर्स्ट में 5 decimal 000 इसका मतलब 5, 50 decimal 00 इसका मतलब 50, 500 decimal 0 इसका मतलब 500। वापस हमारी जो ओरिजिनल फिगर थी वो रिस्टोर हो गई, पहले जिससे हमने लॉगरिथम निकाला था, लॉगरिथम निकालने के बाद जो लॉगरिथम वैल्यू है उससे जब एंटी लॉगरिथम निकाला तो वापस रिस्टोर हो गई। चौथी फिगर जो हमने निकाली थी इसका भी हम कर लेते हैं, तो इसका भी मेंटिसा लेंगे, मेंटिसा 0.73 फिर 1 फिर 5, तो 0.73 जो है कॉलम हमारे पास ये 0.73 ये रहा, 0.73 के आगे 1 ये दिया हुआ 5343 और 5 के आगे और देख लेता हूं मैं, 5383 है, सॉरी बिल्कुल बारीक अक्षर है तो देखने में दिक्कत आ रही है, 5383 और यहां पर 5 देखना है मीन डिफरेंस वाले कॉलम में, 5 देखना है, 53 देखेंगे तो यहां पर आ रहा है प्लस 6, तो ये हो गया हमारे पास 5389। तो 5389 जो निकला है ये हमारे पास फिगर है, और इसमें आप देखें कि जो डेसिमल पोर्शन के बेस पर एंटी लॉगरिथम टेबल रीड करके हम वैल्यू तो निकाल चुके हैं कौन सी वैल्यू आएगी, अब इसके बाद जो कैरेक्टरिस्टिक्स है पूर्णांश है उसके बेस पर हम ये डिसाइड करेंगे कि कहां पर डेसिमल लगाना है। 4 दिया हुआ है यहां पर, 4 + 1 5, तो 5 डिजिट बाद हमें डेसिमल लगाना, और यहां आप देखें 4 ही डिजिट हो रही है, तो यहां पर हम 5वीं डिजिट को 0 कर देंगे। तो इस तरह से 53890 जबकि हमारी ओरिजिनल फिगर 53894 थी। जैसे मैंने बताया था कि 4 डिजिट तक ही निकलता है इसमें लॉगरिथम, तो 5वीं डिजिट में 0 से 4 तक की वैल्यू सेम की सेम रहेगी, और उससे यदि 5 to 9 होता है यहां पर तो ऐसी स्थिति में 89 की 90 होता है, और 90 के अकॉर्डिंग अलग से कैलकुलेशन है, यहां पर थोड़ा सा वेरिएशन आता है इसमें, प्लस जो हुआ वो थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि आप देखें जो टेबल दी हुई है वो सीरियली लगातार बढ़ते जा रहे हैं क्रम, तो जैसे जैसे आगे का आप कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसा निकालेंगे तो बड़ी फिगर आएगी वहां पर, तो यदि 8 90 90 होता तो यहां थोड़ी सी वैल्यू लग जाती। तो ये हमने कैलकुलेशन देखा है कि लॉगरिथम टेबल और एंटी लॉगरिथम टेबल कैसे रीड करते हैं जब संख्या 1 से बड़ी हो। 1 से छोटी यदि संख्या है तो हम किस तरह से उसमें कैलकुलेट करेंगे, जैसे 1 से छोटी संख्या ऐसे डेसिमल 0.95 मान लेते हैं, 0.095 है, या और आसानी के लिए कैलकुलेशन हम लेते हैं 0.05 ये लेते हैं,
अब इसमें ऐसे सिचुएशन में कैलकुलेशन कैसे होगा, जिसे हमने एक से बड़ी संख्या के लिए फॉर्मूला काम लिया था एन माइनस वन फॉर्मूला, यहां यदि एक से छोटी संख्या होती है तो डेसिमल के बाद और जो नेचुरल नंबर है जो एक से लेकर नौ तक होते हैं, यानी उससे पहले एक से लेकर नौ तक रियल नंबर जो आएंगे उससे पहले कितने जीरो हैं, यहाँ आप देखें डेसिमल और पांच के बीच में कोई जीरो नहीं है, तो कितने जीरो हैं, जीरो, जीरो प्लस वन करेंगे यहाँ पर इक्वल टू वन, लेकिन ये रहेगा नेगेटिव, और नेगेटिव को पहले जैसे अपनी जो जनरल मैथ्स होती है उसमें नेगेटिव पहले लगाते हैं, या नेगेटिव जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा उसके ऊपर लगाएंगे। इसका मतलब ये है कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा ये नेगेटिव होगा, मेंटिसा हमेशा पॉजिटिव रहेगा जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे। तो इसके बाद हम देखते हैं, क्योंकि इसमें भी सेकंड वाले जो फिगर लिखी है 0.05 है, तो डेसिमल के बाद और नेचुरल नंबर जो 1 से 9 के बीच है जो 5 है यहाँ पर, उसके बीच कितने जीरो है, एक जीरो है, तो यहाँ 1+1 फॉर्मूला काम लेंगे यानी 2, तो 2 नेगेटिव रहेगा कैरेक्टरिस्टिक। इसलिए थर्ड फिगर में डेसिमल 0.05, तो ऐसे सिचुएशन में हम डेसिमल के बाद और नेचुरल नंबर के पहले यहाँ पर कुल मिलाकर 2 जीरो हैं, तो 2 जीरो हैं तो 2+1 यानी 3 नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स काम लेंगे यहाँ पर। और इसके बाद आपको यहाँ इन फिगर्स को जो यू एज्यूम करनी है, ये मानते हुए कि डेसिमल नहीं है, तो डेसिमल नहीं तो कितना हो गया 0.5, यहाँ डेसिमल नहीं तो 0.05, और यहाँ डेसिमल नहीं है तीसरे वाले में 0.005। अब क्योंकि 0.0 यदि किसी भी नेचुरल नंबर से पहले लगता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, तो इसलिए हमें यहाँ पर भी सेम वही अप्लाई करना पड़ेगा 500 एज्यूम करते हुए, इनको 500 एज्यूम करते हुए कैरेक्टरिस्टिक्स सॉरी मेंटिसा निकालना पड़ेगा लॉगरिथम टेबल की से। तो लॉगरिथम टेबल में हम 500 का पहले देख चुके हैं 6990, तो यहां भी इसका मेंटिसा 6990 ही आएगा। इस तरह से हमने देखा है कि लॉगरिथम टेबल और एंटी लॉगरिथम टेबल को कैसे रीड करके हम कैलकुलेशन करते हैं। अब इसके बाद हम इनके यूज देखेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।